RUB. देखिए, जब से हरियाणा में सरकार आई है, जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी ने वहाँ पर जो कम्युनिस्टों की सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी और वो वहाँ पर सत्तासीन हुई, वहाँ की जनता के मन में इस बात की उम्मीद थी कि वो सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वो जनता की भलाई के लिए काम करेगी। लेकिन जब से टीएमसी की सरकार वहाँ पर बनी है, लोग एक पार्टी की सरकार की गुंडागर्दी को भूले नहीं थे कि दूसरी पार्टी की सरकार की गुंडागर्दी वहाँ पर शुरू हो गई। देखिए, जो ये बचा हुआ समय है, विधानसभा चुनाव जब भी घोषित होगा उस समय तक सरकार पूरे प्रदेश के अंदर, एक तो हमारी जो उस समय का दृष्टि पत्र था, विजन डॉक्यूमेंट था विधानसभा चुनाव से पूर्व का, उसमें बहुत सारी हमारी घोषणाएं, उसकी बहुत सारे हमारे वायदे पूरे हो चुके हैं और अब पूरी पार्टी सरकार के साथ मिल करके इस प्रयास में लगी है कि हमारे सारे जो वायदे थे वो इस दौर में हम उनको पूरा कर लें। देखिए, किसका क्या वक्तव्य है इसका तो आप समझेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस बार जिस प्रकार का एक रिफ्लेक्शन इस लोकसभा चुनाव के अंदर आया है हरियाणा की जनता के मूड का, उस रिफ्लेक्शन के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अब तक का जो हरियाणा प्रदेश का अधिकतम किसी भी पार्टी के पक्ष में जो सीटों का परिणाम गया है, उस प्रकार के परिणाम इस बार के चुनाव में आने वाले हैं।